हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो अब अभी हमारी जो नक्की कबूतरी है वो अभी हमारे साथ हाथ पे बैठ करके दाने खा रही है। तो हमारा जो मंकी है वो अभी इधर बैठा हुआ है और हमारी लक्का कबूतर जो है वो इस साइड में हाथ पे हमारे बैठ के दाने खा रही है। तो मैं इन लोगों को छोड़ देता हूँ और हमारी इस कबूतरी के जो बाकी पार्टनर है वो अंदर अपने घर के पास में है। तो उन लोगों को दिखा दूँ मैं आप सभी को। तो इस साइड में उन लोग अंदर में है दो और एक बाहर में। तो मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर रख देता हूँ इसको। चली जाओ, जाओ जाओ, चली जाओ, जाओ इस पे जाओ, जाओ। तो अभी मैंने इसको ऊपर रख दिया हूँ और जो हमारा मंकी है इस साइड में कुछ खोज रहा है। क्या चाहिए मंकी? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? क्या ढूंढ रहे हो? तो दोस्तों, आप सभी को पता है इसको क्या चाहिए। तो मैं इसको अभी दे देता हूँ, इस साइड में रख रखे ऊपर में। लो लो, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ। कि ऐसे कूद रहा है? ये लो, ये लो, खाओ। और जो हमारी चाइना मुर्गी है इन लोगों को हम खोल देते हैं। इस साइड में बंधी हुई है। तो जब भी मैं देखता हूँ इन लोगों के दरबे में पानी नहीं रहता, पता नहीं ये लोग कितना पानी पीता है। तो मैं पहले अभी पानी डाल देता हूँ इसके अंदर में और पानी डाल के उसके बाद इन दोनों को निकालेंगे। ये डाल दिया मैंने पानी, पी लेते हैं उसके बाद निकाल देते हैं। और निकाल देने के बाद थोड़ा ये लोग घूम लेंगे। मैं अभी इस साइड में खड़ा हो जाता हूँ, इतने लोग भागेंगे ना तो बहुत तगड़ा भागते हैं। अभी ये लोग जो है बिल्कुल शांत में है और हमारे मंकी इस साइड में बैठ कर के खीरा खा रहा है। इसको जब मिल जाता है कुछ भी तो भागने लगता है लेकर के। और हमारी जो चाइना मुर्गी है इस साइड में खा रही है। और दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं आप सभी से, मैंने जो बोला था ना हमारे कबूतरी बहुत जल्दी अंडा देने वाली है, तो उसका जो नर है वो जा करके घर जो घंटा मैंने रख रखा था ऊपर में वो ले जाके अपने दरबे में रख रहा है। तो मैं लोगों को दिखा देता हूँ। तो मैं कंफ्यूजन में हूँ कि वो दरबे में किस दरबे में रख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कभी इसमें लेकर के जा रहा है, थोड़ा बहुत इसमें लेकर गया है, वो थोड़ा बहुत इसमें लेके गया है और अभी ऊपर में बैठा हुआ है। और मैं इधर रख रखा था, बहुत ख़त्म कर दिया सब ले जा करके अंदर, और कुछ इधर गिरा दिया है ले जाने के चक्कर में। बड़े बड़े हो रहे हैं ना तो इसके दरबे में जो है डुक नहीं पा रहे, क्योंकि नीचे से जब लेकर के उड़ता है ना तो वहाँ लड़ जाता है, और लड़ जाता है तो बस वो डंडा छोड़ देता है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इन लोगों के लिए थोड़ा छोटा छोटा लकड़ी लेकर के आ जाऊँ। और ये जो है ये तो आपस ही में लड़ते रहते हैं। और हमारे रेवेट हैं वो इस साइड में हैं खुले हुए। तो ये लोग को कोई मतलब ये खुले ही रहते हैं, मतलब मैं छोटे से कहीं पर भी बंद कर दूँ इन लोगों को, ये लोग छोटे से भी बिल से ना बाहर निकल जाता है। और एक किधर है, एक लग रहा है मेरे को उस वाले घर में, बाहर वाले घर में, तो यहाँ पे बैठा हुआ है ये रहा रेविट। और रेविट ये लोग जो है ना खाना हम लोग खाते हैं तो उसमें आकर के खा लेता है। इन लोगों को खाना देने का जरूरत नहीं पड़ता। कभी कभी मैं बंदा को भी दे देता हूँ फिर भी, जब इन लोगों को बीच बीच में। और इन लोगों का जो घर है यहाँ पे इन लोगों को रखते हैं हम लोग। और ये जो है ना इधर भी कचरा हो गया है बहुत। मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ से बाउंड्री जैसा मार दूँ, क्योंकि ये जो है ना रूम में नहीं जाएंगे। रूम में जा कर के ये लोग बहुत ही लेड़ी लेड़ी सा हक करके बहुत कचरा कर देता है। देखिए इधर भी कर रखा है, तो मैं यहाँ से बाउंड्री दे दूंगा ना तो इन लोगों का जो घेर देने से ना वो लोग अंदर नहीं जाएंगे। और हमारे जो कबूतर है उन लोगों को पानी डालना मैं भूल गया था, तो मैं अभी पानी उन लोगों की जो है थाली में डाल देता हूँ। इस साइड में थाली रखा हुआ है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पानी पी लो, पानी पी लो। तो अभी दे दिए हैं दोस्तों पानी और हमारे कबूतर इस साइड में बैठे हुए हैं, अभी देख करके उतरेंगे धीरे धीरे। लोगों जो है दाना डाल देता हूँ मैं, इधर टंगा हुआ इन लोगों को दाना, ट्रक से दाना उतार करके और इन लोगों को दे देता हूँ मैं।
आ जाओ, ये लो, ये उतर गया। आ जाओ, तुम भी आ जाओ, चलो। अभी वो वाली जो है ना सोच रही है उतरने का, और वो जो है अभी देखा नहीं है, वो ये उतरेगी तो जरूर उतरेगा। तो अभी हम लोग कबूतर को जो है दाना दे दिए हैं, और उधर जो है उसको गुटरको कर रहा है, लग रहा है मना रहा है किसी चीज के लिए, हमारा नर में दिन को। और हमारी जो चाइना मुर्गी है इस साइड में पन्नी को पूरे फाड़ने में लगी हुई है, और हमारा जो मंकी है उस साइड में, मंकी देखिए कैसे कर रहा है दोस्तों, मंकी दो। तो हमारा जो रेबिट है अभी चाइना मुर्गी घर में घुस गया है, उधर जाकर के क्या कर रहा है रेबिट, क्या खा रहा है उसके अंदर। तो उधर जो थोड़ा सा बचा हुआ है ना रोटी वो खा रहा है, उसको अभी खाने दो, हलेगा निकल जाएगा। उसके बाद जब चाइना मुर्गी ढुकाएंगे या नहीं निकलेगा, तब चाइना मुर्गी ढुकाते समय उसको हम लोग निकाल देंगे। हमारी चाइना मुर्गी अभी अंदर में पूरा तहलका मचा रखी है, कबूतरों को क्यों मार रहे हो कबूतरों को, हैं? ये दो है ना, ये अभी डर के मारे नहीं उतरेंगे, ये तो खुले हुए हैं ना, तो ये तो खुले रहेंगे तब तक लग रहा है नहीं उतरेंगे। अरे हमारी लक्का कबूतर जो है गुरुक रही है, बहुत दिनों बाद में उसको गुरुकते हुए देखा हूँ। ये देखिए मार रही है उसको, कैसे मार रही है। और हमारा जो कबूतर है वो देखिए कितना बड़ा डंडा लेकर के घुस रहा है मेहमान के अंदर में। कैसे मार रही है उसको दोनों को। ए ए ए, ए मत मारो, ए हो गया क्या तुम्हारा टाइम अंदर जाने का। ये देखिए दोस्तों कैसे हमारी कबूतरी गुरक रही है। और ये जो कबूतर है इस साइड में ऊपर गुरक रहा है, और नीचे में हमारी लक्की कबूतर गुरक रही है। ये चला गया ऊपर, और ये लोग देख रहे हैं नीचे से क्या हो गया। हमारी लक्का कबूतर मार रही है उसको चाइना मुर्गी को, लेकिन चाइना मुर्गी इसको कुछ नहीं बोल रही। लगता है वो जैसे घर को जो पहचान गई है, और जैसे लग रही है बहुत पुरानी सदस्य है हमारी, जिस वजह ऐसा लग रहा है कि उस वजह से वो लोगों को मार रही है। लेकिन कुछ भी है बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे घुरक रही थी ना बहुत अच्छा लगता है। और रेबिट को जो है रेबिट को नहीं मार रही, क्योंकि रेबिट तो कुछ नहीं, रेबिट तो सबसे कमज़ोर है इस रूम में, सब लोग उसको मारते हैं। तो अभी जो है हमारी कबूतरी उसको नहीं मार रही। और देखिए फिर चाइना मुर्गी उसके पास आ रही है, और फिर अभी घुरकना चालू कर देगी। अभी देखते हैं क्या होता है। नहीं कुछ भी कहो दोस्तों, डर तो उसके अंदर में भी है, लेकिन कोई भी अपना जान बचाने के लिए लड़ाई तो करते ही है। फिर से फाइट चलना स्टार्ट हो गया। तो मैं अभी चाइना मुर्गी को ढुका देता हूँ अंदर में, और रेबिट को जो है बाहर निकाल देता हूँ, और उसको निकाल करके और इन लोगों को ढुका देता हूँ, तभी ये लोग खा पाएंगे अच्छे से, नहीं तो ये लोग को खाने नहीं देंगे। और हमारा जो कबूतर है पूरा लकड़ी ले जाकर देखिए नीचे गिरा दिया नीचे में, फिर उठाएगा फिर दूसरा ले जाएगा। इसको जो है छोटा छोटा देना पड़ेगा, तभी वो अपने जो रूम में है लेके जा पाएगा। और हमारे मंकी साहब बहुत ही टांगों फैला करके यहाँ पे जो है खीरा को खा रहे हैं। देखिए दोस्तों कैसे ये पूरा टांगों फैला करके खीरा खा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।